क्राइम रिपोर्टर्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 5 साल तक मोदी ने जनता को बनाया बेवकूफ। जबलपुर के कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार की तरह मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करते हुए कहा कि भागवत की है यही पुकार, नहीं छलेंगे अब की बार। इस सरकार ने सब कुछ छला, न राम मंदिर बना, न गंगा साफ हुई, न गौ माता का कुछ हुआ। सैनिकों के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार अपने किए कामों पर वोट क्यों नहीं मांगती? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचार कंप्यूटर बाबा ने एक बार फिर बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला। जबलपुर प्रवास के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को संतों ने खाड़ फेंका था, ठीक उसी तरह मोदी सरकार को भी अब वनवास पर भेज देंगे, क्योंकि इस सरकार के तमाम वादे झूठे निकले हैं, चाहे वो राम मंदिर हो या फिर गंगा की सफाई। लगातार भोपाल की सीट की बात करें, अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं है। शिवराज का कहना है कि वो उनको अगर टिकट मिलती है तो वो लड़ेंगे, और अन्यथा टिकट नहीं मिलेगी तो दे देंगे। टिकट तो सबको मिल रही है, पर डर रहे हैं। इनको लग रहा है कहीं हार ना जाए, बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि वास्तव में दिग्विजय सिंह एक अलग व्यक्तित्व झलकता है, धर्म का व्यक्ति है और धर्म के प्रति आस्था रखने वाला है, जिन्होंने 3,000 से ऊपर पैदल किलोमीटर चल के पैदल परिक्रमा करके, और हम संत समाज भी उनके साथ हैं। तो देखिए, आप खुद देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आपको मालूम चल रहा होगा कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए उनके सामने तैयार नहीं है। सारे लोग भाग रहे हैं, लग रहा कि क्योंकि वहाँ दिग्विजय सिंह जीत रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि हम हार जाएंगे तो हमें एक ठप्पा लग जाएगा हार का। कोई भी, मुझे लगता है बलि का बकरा किसे बनाएंगे या बीजेपी ही जाने। लगातार महिलाओं पे हमला बोला जा रहा है बीजेपी के मंत्री और सभी के द्वारा बीजेपी, ये शुरू से करते रहे। इनका स्वभाव रहा है कि किसी भी प्रकार से हमारी महिलाओं को, बुजुर्गों को, देखिएगा अटल बिहारी जी को, देख आडवाणी जी को देखिएगा, मुरली मनोहर जोशी को देखिएगा, सुमित्रा ताई को देखिएगा, चाल और चरित्र में भारतीय जनता पार्टी का अलग रवैया रहा है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो इस प्रकार जो है ये अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, माताओं बहनों का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं करते, अपनी बात का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे हमारे मोदी जी हैं, और इस प्रकार ऐसी परिस्थिति में अब लगता है कि सभी जनता जनार्दन सब समझ गई, 125 करोड़ जनता झूठ सुन सुन के थक गई। अब मोदी जी नहीं, हम लोगों ने, संत समाज ने भी विचार कर लिया कि मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। क्या लगता है कांग्रेस सरकार कितनी सीट इस बार मध्य प्रदेश में कम से कम 15 सीट तो कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। उसका कारण है क्योंकि अब इनसे बहुत थक गए हैं, और घर बैठाने के लिए, बीजेपी को घर बैठाने के लिए कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है। इसलिए संत समाज ने, हिंदुत्व ने, सनातन धर्म ने, जो हमारा सनातन धर्म ठगा सा महसूस कर रहा था, वो सब एकदम मन में ऐसा लगा है कि हम लोग ठगे से महसूस हो रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम गंगा साफ करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए जो हैं हर के खाते में जमा करेंगे। बताइए, किसी के खाते में जमा हो तो बताइएगा। तो दूसरे की टिप्पणी करना, और जब चुनाव का टाइम आ गया, 5 साल तक इनको याद नहीं आई। अब इनकी गाय, इनके एजेंडे में देखिए आप, घोषणा पत्र में गाय भी गायब हो गई, गौ माता, लगता है कि इन्होंने गौ माता का पूरा काम हो गया। देखिए, ये धर्म विरोधी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी धर्म विरोधी है, इसलिए पूरा संत समाज, पूरा सनातन धर्म अब कांग्रेस के साथ समर्थन देकर के और बीजेपी को घर बैठाने का काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण कमलनाथ से मुलाकात कर, अब क्या आप ऐसा करेंगे? देखिए, हम लोग, नर्मदा के प्रति आस्था है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सरकार ने उस समय जो है नर्मदा को बेच के खाया, ये पूरी नर्मदा को खोखली कर दी, और नर्मदा के प्रति जो आस्था रहने थी वो रखी नहीं। इसलिए संत समाज ने मिलकर के, हम जो, हमें माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो हमें काम सौंपा है, माँ नर्मदा को, माँ क्षिप्रा को और माँ मंदाकिनी को, वो जितनी सहायक नदियाँ हैं नर्मदा की, सभी को कल कल बहें, स्वच्छ और साफ रहें, और एक तगाड़ी भी रेत अवैध तरीके से ना निकले, किसी भी प्रकार की मशीन नहीं चलने दूंगा मैं, ये मेरा वादा है। और मैं बताऊंगा कि कमलनाथ सरकार की सोच ये है कि
कि नर्मदा को स्वच्छ साफ बहे, इसमें अवैध खनन ना हो, कोई मशीन न चला के रेत निकालें, उनका सीना छलनी ना करें, वो काम मैं परिपक्वता से संत समाज के साथ मिलकर करूंगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कंप्यूटर बाबा जो है कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में। हाँ, तो मुझे तो स्टार प्रचारक बनाया है, तो हम मैं तो करूंगा प्रचार, इसलिए करूंगा कि इन लोग जो हैं खुद डाकू बन गए नंबरदार और खुद को कहते चौकीदार, तो ये तो इनके हाल हैं। ये हमारे हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री बनाने के लिए जब इन्होंने वोट मांगी, हम संत समाज ने माननीय मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया और पूर्ण बहुमत से केंद्र में भी सरकार दी और पूर्ण बहुमत से पूरा सनातन धर्म हिंदुत्व के लोग सभी लोग मिलकर के और यूपी में भी सरकार इनको योगी सरकार पूर्ण बहुमत से दी, पर इन्होंने राम मंदिर नहीं बनाया, झूठ बोल गए और इन्होंने गंगा साफ नहीं की जो करना था, और ये गाय के मामले में भी ये बिल्कुल जीरो हो गए। अब गाय के घोषणा पत्र में गाय का नाम ही गायब कर दिया है। संत समाज मिलकर के अब ये तय कर लिया है कि मोदी जी को घर बिठाने के लिए कांग्रेस का समर्थन करेंगे और समर्थन करके बीजेपी को, और जहाँ जहाँ भी हम लोग पूरे देश में सारे संत समाज निकल रहे हैं, पूरे देश में हम लोग 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार आपके जबलपुर में भी हम लोग निकलेंगे और रोड शो करेंगे, पूरे शहरों में रोड शो करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, चौपाल करेंगे और लोगों को बताएंगे कि चौकीदार झूठा है, अब चौकीदार को बदलना है। हमें कब चलेगा और पूरा संत समाज एकजुट हो गया है, पूरा सनातन धर्म जो ठगा सा महसूस कर रहा है, राम मंदिर बनेंगे, हमारी बड़ी आस्था थी कि राम मंदिर बनेंगे, हमें बड़ी आस्था थी कि गंगा साफ होगी, बड़ी आस्था थी हमारी जनता जनार्दन 125 करोड़ जनता के 15-15 लाख रुपए आएंगे, और दूसरे को दोष देते हैं इनका, देखिए आप माननीय मोदी जी को, दूसरे को कहते हैं कि 72 हज़ार रुपये कहाँ से देंगे, इस साल में 72 हज़ार रुपये मतलब 3.5 लाख 4.25 लाख रुपये 5 साल में देना है इनको कांग्रेस को, उनको कहते कहाँ से देंगे, ये अपना खुद बताएं कि 15 लाख रुपये कहाँ से देते ये 5 साल में, एक एक व्यक्ति को 15 लाख रुपये कहाँ से देते, ये जनता सब समझती है, इनको मूर्ख ना समझें। अब आने वाले समय में जो ये लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अपने घर में बैठेगी और कांग्रेस राज करेगी। धन्यवाद। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।